हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GIS कठुमर। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी 11th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर फर्स्ट इज गोइंग ऑन। इन दिस चैप्टर वी आर स्टडाइंग अबाउट मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में, मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक मेजरमेंट के लिए यू नो अबाउट दैट इफ वी आर गोइंग टू ए किराना स्टोर, देन वी कैन से दैट प्लीज़ गिव अस शुगर। देन द शॉपकीपर आस्क यू हाउ मच, देन व्हाट यू से। देन स्टूडेंट्स, जब आप दुकानदार से कहोगे कि मुझे शुगर चाहिए, तो वो पूछेगा कितना चाहिए, तो आप उसको क्वांटिटी बताओगे ना। तो क्वांटिटी बताओगे तो वही मेजरमेंट है। आप 5, 1 kg, 2 kg या 500 ग्राम्स, इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा। तो आप कोई भी काम करोगे, जैसे कोई डिस्टेंस को आप मेजर करने वाले हो, तो डिस्टेंस पर भी आप जब जाओगे तो आपसे पूछेंगे कि फ्रॉम कठुमर टू नगर हाउ मच किलोमीटर बिटवीन डिस्टेंस बोथ ऑफ देम। तो आपको बताना पड़ेगा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। तो 10, 12 आपको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो किसी भी, कोई भी क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी के लिए हमको उसका मैग्नीट्यूड बोलना पड़ता है, उसकी यूनिट बोलनी पड़ती है, तब जाकर उस क्वांटिटी का मेजरमेंट हो पाता है, ठीक है ना। तो देखो, मेजरमेंट करते समय हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखो, 11th केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट, व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड देन मैग्नीट्यूड रिटन फर्स्ट एंड यूनिट इज लास्ट। तो जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करोगे, तो आपको जो मैग्नीट्यूड है वो फर्स्ट में लिखना पड़ेगा, और जो उसकी यूनिट है वो लास्ट में लिखनी पड़ेगी। अब देखो, मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल लेते हैं हम, एनी ऑब्जेक्ट इज 5 meter लॉन्ग। कोई ऑब्जेक्ट है और वो 5 meter लॉन्ग है, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या है और यूनिट क्या है। हियर 5 inch मैग्नीट्यूड एंड मीटर इज यूनिट। समझ गए, 5 तो क्या है मैग्नीट्यूड और मीटर क्या है उसकी यूनिट है। तो ठीक इसी प्रकार से, इफ यू मेजर वेट, देन जो मैथमेटिकल नंबर है वो तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और केजी ग्राम वो सब क्या होगा, यूनिट होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं यूनिट को। यूनिट क्या होती है?
यूनिट, विदाउट यूनिट के हम अकेला जो मैग्नीट्यूड होता है उसके द्वारा मेजरमेंट नहीं कर सकते। विदाउट यूनिट के आप मेजरमेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमको यूनिट को भी थोड़ा सा समझना होगा। स्टूडेंट्स, यूनिट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल एक काउंसलिंग हुई थी, और वो काउंसलिंग हुई थी फ्रांस में, 1960 की बात है। और 1960 में जब फ्रांस में काउंसलिंग होती तो साइंटिस्टों ने वहाँ पर कुछ यूनिटों को फिक्स किया था, और वहाँ पर उनको एक मान्यता दी गई थी कि ये फिक्स यूनिट है और इनको इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। और उसमें 7 क्वांटिटीज़ को रखा गया था, और 7 क्वांटिटीज़ के लिए यूनिटों का प्रावधान उसमें बताया गया था, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इन 1960, थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको, इसके लिए मैं बता देता हूँ। इन फ्रांस एसआई यूनिट डेवलप्ड, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सबसे पहले फ्रांस के अंदर एसआई यूनिट को डेवलप किया गया था, ठीक है ना। एसआई को बोलते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। कोई भी क्वांटिटी है उसके लिए क्या यूनिट होगी, इसे इंटरनेशनल लेवल पर एक वहां पर फिक्स नेम प्रोवाइड कराया गया था। और वो नेम क्या था, वो क्या क्वांटिटीज थी, उनको भी हम चेक करते हैं। आगे चल के देखो, देखो इस टाइम पर देयर आर 7 क्वांटिटीज वैलिड। इस समय 7 फिजिकल क्वांटिटीज को मान्यता दी गई थी। कैसे? एज मेन क्वांटिटी, एज मेन क्वांटिटी। 7 यूनिट्स को मेन क्वांटिटी की तरह वैलिड किया गया था। और वो 7 यूनिट्स कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं हम। देखो 7 क्वांटिटी हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वांटिटी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यूनिट, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट क्वांटिटी थी वो थी लेंथ। लेंथ के लिए यूनिट मानी गई मीटर। इसके बाद जो सेकंड क्वांटिटी थी वो थी मास, इसके लिए मानी गई यूनिट किलोग्राम। और टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन, क्या माना गया था? केल्विन माना गया था। और इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए जो यूनिट दी गई थी वो थी कैंडेला, और इसको डिनोट करते हैं हम सीडी से। कैंडेला को डिनोट करेंगे किससे? सीडी से। इसके बाद जो क्वांटिटी थी वो थी टाइम, टाइम को यूनिट दिया गया था सेकंड। और कितनी हो गई? 4-5 हो गई, 2 और बची हैं, कौन सी? इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, इसकी यूनिट दी गई थी मोल, और इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट दी गई थी एम्पियर, इसको डिनोट करेंगे हम ए से, ठीक है ना। तो जो एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, उसके अकॉर्डन 7 मेन क्वांटिटीज़ को वैलिड किया गया। और इन 7 मेन क्वांटिटीज़ की क्या यूनिट
फिक्स की गई थी इस सिस्टम के द्वारा, वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप एक बार इनको नोट करें। नोट करने के बाद हम चेक करते हैं फिर आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं रेस कर रहा हूँ। यस स्टूडेंट्स, अब देखो चेक करते हैं हम, इसी इंटरनेशनल सिस्टम ने इन यूनिट्स को जब वैलिडिटी दी थी तो उस टाइम पर कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन की थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं, तो उन नंबर्स को किस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं इसके लिए कुछ सिस्टम बनाया था इस यूनिट इनके इस सोसाइटी के माध्यम से। तो देखो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, टू मेक ईजी, टू मेक ईजी ऑफ मेजरमेंट measurement some suffix r, कुछ suffix दिए गए, some suffix r used in units, units के अंदर कुछ suffix को use किया गया था, जैसे इधर लिख देता हूँ मैं suffix और यहां लिख देता हूं उस सफिक्स की वैल्यू। ठीक है ना, जैसे डेका, डेका की वैल्यू होती है 10^1, आगे हेक्टो, हेक्टो 10^2, हेक्टो के आगे होगा किलोग्राम 10^3, किलोग्राम के आगे होगा मेगा 10^6, फिर होगा गीगा 10^9, फिर होगा टेरा 10^12, और उसके बाद होगा पेटा 10^15, और फिर उसके बाद होगा एटा, एक्सा, एटा नहीं एक्सा। ठीक है ना, 10^18। कुछ सफिक्स और हैं, ये तो पॉजिटिव वैल्यू वाले सफिक्स हैं, अब नेगेटिव वैल्यू वाले सफिक्स भी हैं, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सफिक्स और वैल्यू, जैसे डेसी आ गया 10^-1, सेंटी आ गया 10^-2, मिली आ गया 10^-3, डेसी, सेंटी, मिली, इनसे भी छोटी है माइक्रो नैनो, माइक्रो 10^-6, नैनो 10^-9, और इससे भी छोटी है पीको 10^-12 पीको, और फिर फेक्टो और एटो, फेक्टो 10^-15 और एटो 10^-18। ये कुछ सफिक्स हैं, बहुत बार आपने सुना होगा जैसे पिकोमीटर है ना, तो पिकोमीटर की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पीको की अगर वैल्यू पता है तो मीटर की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हो, सेंटीमीटर, ठीक है ना, डेसीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह से सुना होगा ना, तो इन सफिक्स को यूज करते हैं वहाँ पर, समझ गए, तो इनको यूज़ करते हैं तो इनकी वैल्यूज़ को भी हमको पता रखना चाहिए।
अगर हमको वैल्यू पता होंगे तो हम आराम से इजी वे में ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। और बहुत बार इनमें से ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि जैसे पेटा की कितनी वैल्यू होती है, पेटा की वैल्यू क्या होती है, 10^15 पॉजिटिव 15, ठीक है ना। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इन सभी को नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। फिर आगे चेक करते हैं, देखो इंटरनेशनल सिस्टम को फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, ठीक है ना। और आगे बढ़ाया गया तो इसमें से कुछ और यूनिट्स बनाई गई, उनको बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स, ये जो डिराइव्ड यूनिट हैं इन यूनिटों का डेवलपमेंट एसआई यूनिट से ही हुआ है। ड्राइव यूनिट को कहाँ से डेवलप किया गया, एसआई यूनिट से, ठीक है ना। तो जो एसआई यूनिट कहती है और उस एसआई यूनिट ने जिस प्रकार से कुछ क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया है, ठीक इसी प्रकार से हम ड्राइव्ड यूनिट के थ्रू भी यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखो ड्राइव्ड यूनिट्स आर प्रिपेयर्ड बाई मेन यूनिट। ड्राइव यूनिट को भी कहाँ से तैयार किया गया, मेन यूनिट से तैयार किया गया, ठीक है ना। तो देखो अपने पास मेन यूनिट कौन सा था, एसआई सिस्टम था। इससे दो ड्राइव यूनिट बनी, एक को बोला गया एमकेएस सिस्टम और दूसरों को बोला गया सीजीएस सिस्टम। एमकेएस और सीजीएस, एमकेएस सिस्टम के अंतर्गत जो लेंथ होती है उसको तो हम मीटर में मेजर करते हैं, वेट को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। ध्यान रखना, लेंथ को तो लेंथ, विड्थ और ये सारी चीज़ें किस में मीजर करेंगे हम, मीटर में, वेट को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। और सीजीएस सिस्टम के अंतर्गत हम लेंथ को तो सेंटीमीटर में मीजर करेंगे और वेट को ग्राम में मीजर करेंगे, लेकिन टाइम को सेकंड में ही करेंगे, ठीक है ना भाई साहब। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखो एसआई सिस्टम से इन दोनों को ड्राइव किया गया है। एसआई सिस्टम में जो अभी मैंने आपको सफिक्स बताए थे ना, कुछ वैल्यूज जैसे सेंटी बताया था ना, सेंटी और ग्राम, तो वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए उसी का पार्ट है ये भी। तो देखो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर यूज़ करते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि यूनिट्स को किस तरह से निकाला जाता है। जैसे एरिया, एरिया की यूनिट बतानी है अब आपको। एरिया की यूनिट बताने के लिए आपको एरिया का फॉर्मूला ध्यान करना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इर्थो इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लेंथ को मीटर में लेना, विड्थ को मीटर में लेना, क्या आई यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एमकेएस सिस्टम में, एरिया की एमकेएस सिस्टम में क्या यूनिट आ गई, मीटर स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम में इसकी क्या आएगी, लेंथ को सेंटीमीटर में लीजिए, विड्थ को भी सेंटीमीटर में लीजिए, तो क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम वॉल्यूम लें, वॉल्यूम की यूनिट निकालें, तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है ना। तो एमकेएस में इसकी यूनिट आएगी लेंथ की मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट मीन्स क्या आ गया, मीटर क्यूब। और अगर इसको मैं सीजीएस में लेना चाहूँ तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सी एम क्यूब। तो दोनों सिस्टम के अंतर्गत वॉल्यूम की यूनिट आपने चेक कर लिए, ठीक है ना। अब देखो चेक करते हैं हम डेंसिटी की।
स्ट्रेंथ्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। अब अगर एम के एस में इसका मैं यूनिट निकालूं तो मास का यूनिट एम के एस में क्या है? केजी। और वॉल्यूम का अभी क्या निकाला था? मीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगा? केजी एम माइनस थ्री, केजी एम क्यू इनवर्स। क्या बोलेंगे? केजी एम क्यू इनवर्स। और अगर सी जी एस में निकालेंगे तो ग्राम अपॉन सी एम क्यू, या फिर इसको लिख सकते हो आप ग्राम सी एम इनवर्स क्यू, इस तरह से लिख सकते हो, है ना। अब चलो अगली यूनिट निकालते हैं हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस होती है। तो एम के एस में डिस्टेंस के लिए क्या लोगे आप? मीटर। टाइम के लिए क्या लोगे? सेकंड। क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। और इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। सी जी एस में अगर निकालें सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनकी सी जी एस और एम के एस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपको यूनिट बता रहा हूँ, और भी बताता हूँ मैं, आप एक बार इनको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी यूनिट है उनको भी चेक कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम सबकी वैल्यूज़ को निकालेंगे, सबकी यूनिट निकालेंगे। आगे चेक करते हैं, आगे है देखो फोर्स की निकालते हैं। फोर्स की निकालें, फिफ्थ नंबर डालता हूँ मैं, चलो एक्सेलरेशन की निकाल देता हूँ। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके सामने आ ही गया है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी के लिए क्या आया था बताओ? मीटर पर सेकंड आया था, अपॉन टाइम के लिए क्या आएगा? सेकंड। एम के एस में चल रहा हूँ मैं भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास जो यूनिट आई थी वो तो क्या आई थी? मीटर पर सेकंड, और उसमें डिवाइड करना है किसका? टाइम का। तो टाइम का और चला गया। अब इसको ठीक से अगर आप लिखोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, और इसको आप कैसे ले सकते हो? मीटर सेकंड ट्वाइस इनवर्स। सी जी एस में अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो सी एम पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट और टाइम की सेकंड। तो क्या आ गया? सी एम सेकंड स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हो? सी एम सेकंड ट्वाइस इनवर्स, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो इसके बाद नोट करते हैं फोर्स की। फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एफ इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। तो एम के एस में मास का क्या होता है यूनिट? किलोग्राम। एक्सीलरेशन का एम के एस में ये आया मीटर सेकंड ट्वाइस इनवर्स। क्या लिख सकते हो? के किलोग्राम मीटर सेकंड ट्वाइस इनवर्स।
और इसको क्या लिख सकते हो, न्यूटन, जिसको एन से डिनोट करते हो आप लोग, इसको न्यूटन भी बोलते हैं। सीजीएस में क्या लिखोगे, मास के लिए ग्राम इनटू एक्सेलरेशन के लिए क्या आएगा, सेंटीमीटर ट्वाइस इनवर्स, तो क्या आ गया सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर सेकंड ट्वाइस इनवर्स, और इसको बोला जाता है बच्चों डाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, डाइन, डाइन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। और देखो एक सेवंथ क्वांटिटी है, वो है टेम्परेचर। सेवंथ क्वांटिटी कौन सी है अपनी, टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई सिस्टम में कई यूनिट बताई गई हैं। तो देखो देयर आर थ्री यूनिट्स वैलिड फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए तीन यूनिट को वैलिड किया गया है। पहली यूनिट है डिग्री सेल्सियस, जिसको डिनोट करोगे आप डिग्री सी से। दूसरी है डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री एफ, और थर्ड है केल्विन, जिसको डिनोट करते हैं हम के से, ठीक है ना। तो देखो ये टेम्परेचर के लिए तीन यूनिट जो गिवन है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये सेवन क्वांटिटी हैं जिनको वैलिडिटी दी गई है एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इन सभी क्वांटिटीज़ की एक यूनिट को किस तरह से ड्राइव किया जा सकता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे और चेक करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर की कोई सी यूनिट हमको गिविन होती है और हमसे पूछा कोई सा टेम्परेचर जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ढंग से देखनी है, क्योंकि बहुत बार इसमें से छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो देखो चेक करते हैं टेम्परेचर के नीचे लिखना, अगर आपको इफ डिग्री फारेनहाइट चेंज इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, देन यूज्ड फॉलोइंग फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप, मैं नोट कर रहा हूँ, डिग्री फारेनहाइट, इसको बोलेंगे हम डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके एग्जांपल भी चेक करके देख सकते हैं हम और देखेंगे भी। और अगर हमको केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाना है टेम्परेचर, कहाँ से कहाँ ले जाना है, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाना है, तो इसके लिए आप 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समझ गए। अगर फारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है या डिग्री सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में ले जाना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में ले जाना है या केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। तो देखो यहाँ पर चलो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनटू डिग्री फारेनहाइट, समझ गए।
सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में ले जाना है। तो देखो डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 कितना सेंटीग्रेड है बताओ 25। तो सेंटीग्रेड की जगह पे क्या लिख देखूंगा मैं 25 प्लस 32 सॉल्व कर दो 9/5 ठीक है मल्टीप्लाई 25 प्लस 32 बिल्कुल सिंपल 5 हो गया समझ रहे हैं ना 5 हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है 9/5 प्लस 32 तो कितना आ गया 45 प्लस 32 तो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ गया 77 डिग्री फारेनहाइट ये वाला आंसर आ गया आपके पास ठीक है। अरे ठीक है ना। अब अगर आपको आपके पास टेम्परेचर है 300 केल्विन टेम्परेचर कन्वर्ट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड तो इसको कैसे करोगे के इनटू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड तो केल्विन कितना है 300 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है। तो क्या करना है मेरे को बताओ अब इसका ट्रांसपोजिशन कर दूं तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 300 माइनस 23 कितना आया 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाला आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग अपने टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में थी ऐसे कुछ टेम्परेचर के एग्जांपल और भी आपको मिल सकते हैं आपको सॉल्व करने चाहिए अगर कुछ आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैं आपका ये वीडियो आज यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू गुड बाय।